हेलो प्रणाम, क्या हाल चाल। तो यार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एहसान मसीह भाई के बारे में। पेशे से ये एक डांसर है। शौक से ये एकदम बकचोद, रील्स को ये पॉन समझते हैं और लोगों को हफ्सी। दिखने में ये साकालाका का बूम बूम वाली पेंसिल जैसे लगते हैं और हरकत से भड़वा। और तो और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं और लोग इनको चूतिया। लड़की बनना इनका शौक है और नाचना इनका पेशा। पथ में बिखर जाओ, चलने दो, बहकने दो। तो आओ यार एहसान भाई पे थोड़ा एहसान करते हैं और इनके जीवनी पे थोड़ा नजर डालते हैं। भाई पहले राखी सावंत के साथ रहते थे। डोंट जज। राखी सावंत से मिलने के बाद भाई का पैसा डांसर से बदलकर छिनार बनने का हो गया। भाई अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला शक्ल लेकर रील्स बनाते हैं, वो भी अश्लील वाला, और फिर कहते हैं, आप लोगों ने बच्चों को फोन क्यों दिया 18 साल से पहले, ये तो आपकी गलती हुई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। क्योंकि भाई तो रील्स पे चेरम पट्टी मचाएंगे ही। तुम भोसड़ी वाले हो जो बच्चे को फोन देकर, क्योंकि भाई तो अपना काम कर रहे हैं। इनका गांडनूसी शौक है कि जिस चीज को आसानी से खाया जा सकता है वो चीज को आसानी से नहीं खाना है, जैसे हनी। एप्पल, और ये क्या है? राम राम राम, बहनचोद पूरा दिन खराब कर दिया। नंगा होकर रील्स बनाना या टिक टिक ढापे गांड मटकाना, भाई को सब आता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, दुनिया का सबसे भाई का हॉबीज है लड़कियों के बदन से खेलना। कैसी डोर है, और उसके बाद फिर अपने बदन से। बहनचोद कंफ्यूज कर दिया ये इंसान कि इसको लाइफ में असल में चाहिए क्या, लड़का या लड़की। कभी ये लड़की का प्यास बुझाता है, कभी खुद का, और कभी किसी और का। वैसे तो भाई साहब 2 सेकंड से ज्यादा टिकते नहीं है, मगर रील्स ऐसे ऐसे बनाएंगे। वाह भोसड़ी के वाह, मुंह से मूंगफली टूटने का ठिकाना नहीं, मगर गांड से अखरोट तोड़ रहा है। नहीं था पहले रिबॉक की कोलैबोरेशन आती थी, अभी कॉन्डम की ब्रांड की वो आती है, तो बस ज्यादा एकदम फनी सा माहौल कर दिया है। मतलब कॉन्डम। बहुत सारी वीडियोस में हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, मुझे लोगों से सुनने में आया कि इतनी इंटीमेसी फिल्म्स में भी नहीं होती। मैं वही आप, वाह जी वाह, इंटीमेसी वो भी फिल्मों से ज्यादा। भोसड़ी के पॉर्न और रोमांस में फर्क होता है, तू पॉर्न सूट करता है, रोमांस नहीं। क्योंकि एक बार एक महान हस्ती बोल कर गए हैं, आर चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। What's up everyone? Hi Sohoon. Wow. What a entry. मगर ये क्या लंगड़ा के चल रहा है? भाई को अपने ऊपर इतना घमंड है कि इनकी वजह से एक बार एक चैनल का TRP बढ़ गया था। वो हमारे शो पर आया तो चैनल का TRP बहुत ऊपर जाएगा। ओके। मगर रियलिटी में इस भड़वा को कोई नहीं जानता है। वो उनको ग्लैमर का फैक्टर देखने को मिल रहा था, चाहे वो बकचोद तो आप दिख रहे हैं, मगर ये ग्लैमर किधर है? हमको नहीं दिख रहा है, लगता है आपके साथ आना भूल गया। भोसड़ी के ये छपरी स्टाइल को ग्लैमर बोलना बंद, वरना नरक में जलेगा, नरक में। बहुत ज्यादा मतलब लोगों को पसंद आया कि ही इज वेयरिंग रियली गुड आउटफिट्स, और मतलब उस वक्त पे तो भंडार भर गया होगा कोलैबोरेशंस का ईशान के पास, है ना? है कहां से गुड आउटफिट? ऊपर ये ड्रम ढकने वाला प्लास्टिक, नीचे नेपाली जूते, और सिर पे ये झाड़ू, और ये क्या है बे? भंडार भर गया होगा कोलैबोरेशंस का ईशान के पास, है ना? It's my breakup with my girlfriend Preeti. Okay. Because मैंने India's Got Talent 5 किया प्रीति के साथ। आम जिंदगी में अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो वो इंसान रोता है, डिप्रेस होता है, सैड होता है, कुछ दिन के लिए किसी से बात करना बंद कर देता है, या उस लड़की को वापस लाने का सोचता है। मगर एहसान भाई डिफरेंट, ही इज बिल्ड डिफरेंट। मगर एहसान भाई ठहरे रनवा, ये तो चुदम पट्टी रील्स में डालने लगे। वाह जी वाह। Why only bedroom when we can do it on streets, on the cars, on the table,
फ्रंट कैमरा बिहाइंड कैमरा देन व्हाई जस्ट बेड। बिल्कुल सही बात है, जहाँ करना है तेरे को तू कर, मगर अपने इस आर्टिफिशियल अवतार से हमको छुटकारा दे दे। वीडियो मत बना अपने गंदे गंदे कांड का, और एहसान भाई हम पे थोड़ा एहसान कर दो। तो यार इंस्टाग्राम पे वल्गर वीडियो बनाना हो या इंस्टाग्राम पे सेमी न्यूड पोस्ट डालना हो, ये भाई सब करता है, बट इज इट अ राइट प्लेटफॉर्म, नहीं पता। तो इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।